हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन के कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। और ये ब्लाउज़ 32 साइज़ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। मेन फेब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है। लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 13 इंच, 1 इंच प्लस करना है। 14 इंच पे मैंने लेंथ लिया है, जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना होता है। शोल्डर से 6.5 इंच, आर्म होल है 6.5 इंच। हम यहाँ पर बोटनेक बनाने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम शोल्डर्स और आर्म होल लेना होता है। और चेस्ट है 32 इंच, उसका 1/4 हुआ 8 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। वेस्ट है यानी कमर है 26 इंच, उसका 1/4 हुआ 6.5 इंच। 1 इंच हम बैक पार्ट में टक्स लेंगे उसके लिए, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट और वेस्ट ले सकते हैं। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ है 3.5 इंच और नेक लेंथ है 3.5 इंच, यानी मैंने दोनों तरफ से सेम मेजरमेंट लिया है। आप चाहे तो नेक विड्थ 4 इंच भी रख सकते हैं और नेक लेंथ आप 3 इंच या फिर 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और अब हम बोट नेक का शेप दे देंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। नीचे से भी 1/2 इंच का निशान लगाना है हमें इस तरह से। और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। टेप को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सेंटर को निकालेंगे। और देखिए, इस तरफ से हम दोनों सेंटर के दोनों मार्जिन के सेंटर से हम 1.25 इंच करीब में हम निशान लगाएंगे 1.75 पर। और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। हल्के हाथों हमें इस तरह से गोलाई दे देना है। आप चाहे तो इसका ये जो गोलाई है, गोलाई का विड्थ आप कम भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं या फिर 1 इंच भी। और इस तरह से देखिए, मैंने निशान को इस दूसरे तरफ भी लगा लिया है फोल्ड करके कपड़े को, और इसको डार्क कर लेना है। अब देखिए, सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और नेक वाले पार्ट को कट कर लेना है, यानी ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इस डिज़ाइन को इस तरह से कट कर लेना है। और अब देखिए, यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब सेंटर से देखिए, जो हमने बोटने का शेप दिया है, इस वाले शेप को दूसरी तरफ भी लगाना है इस तरह से, सेंटर से फोल्ड करते हुए हाथों से हल्का इस तरह दबाते हुए हम निशान को लगा लेंगे और ऊपर से निशान को गहरा कर देंगे इस तरह से। और अब देखिए, मेन फेब्रिक को हमें अस्तर वाले पार्ट के नीचे रखना है सीधे तरफ करते हुए इस तरह से। और ऊपर से देखिए, मैंने पिन अटैच कर लिया है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो सिलाई करते वक्त। और मेन फैब्रिक का सीधी तरफ देखिए ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, और एज इट इज़ मार्क के ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। और इस तरह से नेक वाले जो कटिंग है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस पर सिलाई कर लेना है इसके चारों तरफ। और अब देखिए, यहाँ पर पिन को हमें खोल लेना है और सेंटर से कट कर लेना है। और अब देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, पूरे नेक वाले पार्ट में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेक को कट कर लिया है। और अब देखिए, पूरे नेक पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने कट्स लगा लिया है। अब हम इस कॉर्नर्स को हमें इस तरह से सीधा करते हुए निकालना है। पहले हम दोनों पार्ट को सीधा कर लेंगे और कॉर्नर्स को हमें किसी नोकीली चीज़ से निकाल लेना है। कॉर्नर्स को इस तरह से हल्के हाथों निकालना है, अगर ज़ोर से निकालेंगे तो कपड़ा फट सकता है, इसलिए धीरे धीरे करते हुए कॉर्नर्स को निकाले इस तरह से। और हाथ से अच्छे से फिनिशिंग दे देना है इस तरह से, फोल्ड करते हुए हाथ से फिनिशिंग दे देना है।
तो यहाँ पर देखिए मेरा जो ये नेक पार्ट है अब रेडी है, और अब हम ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए या फिर आप कॉर्नर का सिलाई करते हुए भी यहाँ पर टॉप स्टिच लगा सकते हैं। और अब हम दोनों पार्ट को सिलाई करके पैक कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके पैक कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है चारों तरफ इस तरह से। बाहर जो कपड़ा निकला है इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट में टक्स लगाएंगे। इस तरह से सेंटर से हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्लीट्स लगा लेने हैं। प्लीट्स का लेंथ आप 3 इंच या फिर 3.5 इंच रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है। सामने की तरफ हमें 1/2 इंच करीब ज़्यादा रखना है और ऊपर से कमर पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। एक सिलाई हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर करेंगे। लाइलाइन के ऊपर हमें इस तरह से एक सिलाई करना है। और अब हम डबल फोल्ड करते हुए कमर पट्टी को फिनिशिंग दे देंगे। टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। और सामने देखिए हमें अच्छे से इस तरह से फोल्ड करना है ताकि हमारा नेक के ऊपर हमारा जो कमर पट्टी है दिखाई ना दे। अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। इसी तरह हमें दूसरे बैक पार्ट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों बैक पार्ट्स हमारे रेडी हैं। और यहाँ पर देखिए मैं मोती अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बड़ी वाली सुई लिया है और 4 फोल्ड करते हुए यानी 4 फोल्ड करते हुए मैंने धागा को डाल लिया है। और 4 से 5 बार हम इस पर सिलाई करते हुए मोती को अच्छे से इस पर इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। 4 से 5 सिलाई करते हुए सिलाई को पक्का कर लें। और इसी तरह हम नीचे की तरफ भी हम मोती को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोती को अटैच कर लिया है और ये बैक पार्ट हमारा रेडी है। ये बैक पार्ट बनाने में बहुत ईजी है और देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।